बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। मैं कुकिंग विद नसरीन में आज आपके लिए लेकर आई हूँ चना चाट स्पेशल, रमज़ान स्पेशल चना चाट, चटपटी मज़ेदार। आप घर में बनाएं, अपने लिए, बच्चों के लिए, सब बहुत इंजॉय करेंगे। चने शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने 250 ग्राम चने लिए और रात में भिगो के और सोडा एक टेबल स्पून खाने का सोडा डाल के पूरी रात भिगो दिया था। सुबह वॉश करके और पानी डाल के इसको बॉईल कर दिया जब तक ये अच्छी तरह गल ना जाए। ये देखिए गल गए अच्छी तरह और खड़े खड़े भी हैं। और इसमें मैं लूँगी एक पाव चने, एक आलू लिया है मैंने बॉयल काट लिया, एक दरमियानी प्याज है, एक टमाटर है, थोड़ा सा धनिया है, कुछ दही अगर आप चाहें तो दही डाल लें। और ये चटनी मैंने मीठी चटनी बनाई थी, इसका लिंक दे देंगे वो आप देख लीजिएगा। चटनी मीठी चटनी गुड़ और इमली की चटनी है, और ये इमली और हरी मिर्चों और पुदीने की चटनी चटपटी। मसालों में है नमक हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और दही अपने, और ये नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना नमक मिर्च खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसमें नमक मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालूंगी और चाट मसाला डालूंगी, इसको मिक्स कर लूँगी। फिर थोड़ी थोड़ी मैं चटनियाँ डालूंगी, हरी चटनी है ये, हरी मिर्च और पुदीने की इमली की। फिर ये मीठी चटनी है, दो दो टीस्पून डाल रही हूँ। और ये दही है, अगर आपको पसंद हो दही तो डालें, ना तो रहने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसमें थोड़ा सा आलू, टमाटर, प्याज, थोड़ा थोड़ा ऊपर से गार्निश में डालूंगी। ये लीजिए झटपट तैयार हो गए चना चाट। इसमें टाइम नहीं लगता, बस अगर आपके पास आलू और ये चने बॉयल है तो ये 5 मिनट नहीं लगते इसको बनने में। अब इसको सर्व करती हूँ। और से मैं इसमें दही दही डालूँगी और ये थोड़ी सी इमली की चटनी। और थोड़ी सी हरी चटनी और कुछ आलू डालेंगे ऊपर से। आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, थोड़ा थोड़ा सा टमाटर ऊपर से डालेंगे। मज़ेदार चाट तैयार है हमारी, हम खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा अपने अपने घरों में बना के, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। तैयार है चाट हमारी बन गई। अब मेरे कैमरामैन जो है मेरी बहू पकड़ के बना रही है वीडियो, वो चख के बताएंगे आपको कैसी बनी। मरियम टेस्ट करो। कैसी बनी? बहुत अच्छी मज़े की बनी है। चलो यहाँ तो पास हो गई, अब आप बनाइएगा अपने अपने घरों में और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।